देश भर में इस समय सावन के महीने के मद्देनजर कांवड़ यात्राओं का दौर चल रहा है। इस दौरान कांवड़ियों कई राज्यों से होकर गुजरते हैं। इस दौरान लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं, इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। धर्म के नाम पर जिस तरह से इस यात्रा में नफरत फैलाया जा रहा है, उसे किसी भी धर्म से सही नहीं कहा जा सकता। भगवान का नाम लेकर गुंडागर्दी करने वाले धर्म का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी खास मकसद के तहत इस तरह का काम कर रहे हैं। धर्म कोई भी हो, आपको कभी भी हिंसा की इजाजत नहीं देता है। कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ ऐसे ही हिंसा और असामाजिक कार्यों की खबरें लगातार आ रही हैं। अभी पिछले दिनों उत्तराखंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें एक भगवा कपड़ा पहने शख्स को एक मस्जिद की सीढ़ी पर चढ़कर भगवा झंडा लहराते हुए देखा जा रहा है। इस घटना के चलते पूरे इलाके में हंगामा मच गया था, लेकिन लोगों की सोच बूझ ने किसी बड़े बवाल को रोक दिया। यह मामला थमा भी नहीं था कि दिल्ली में कांवड़ियों की दबंगई देखने को मिली। इस बार तो ये लोग तोड़फोड़ करते नजर आए। दरअसल एक कार किसी कांवड़िए को छूकर निकल गई थी, जिसके बाद उस कार को रोककर साथ में मौजूद लोगों ने पूरी तरह तोड़फोड़ की और कार को पलट डाला। इसके बाद एक और वीडियो आया है, जिसमें कुछ कांवड़ियों द्वारा पुलिस पर पत्थरबाजी करते हुए देखा जा रहा है। वहीं इस और घटना में पुलिस अधिकारी की कार को कांवड़ियों ने अपना शिकार बनाया। इसके बाद अब एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे फराह खान नाम की एक महिला पत्रकार ने पोस्ट किया है। फराह ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि अभी जिस रिक्शे में मैं थी, उस पर पीछे से किसी ने जोर से हॉकी मारी। कुछ समझ पाते इतने में दो कांवड़िए बाइक पर सवार हॉकी को हवा में लहराते हुए निकल गए, लेकिन हद तो तब हो गई जब कांवड़ियों से भरे एक ट्रक से पानी की थैलियां जानबूझकर फेंकी गईं। वाकई जिस भगवान को खुश करने जा रहे हैं ये लोग। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज।